सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि कच्चे मकान झोपड़पट्टी में रहने वाले परिवारों को भी पक्का आवास बन सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के रेउसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत परसिया के गांव केवलिया में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ परिवार आज भी कच्चे मकान झोपड़पट्टी में रहने पर विवश थे। अपने समुदाय की समस्या पर मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं आज झोपड़ी में रहता हूँ, मैं मुझको आज तक आवास नहीं मिली थी। मैं बहुत परेशान था, बारिश के मौसम में पानी बरसता है, टपकता है, राशन पानी भी भीग जाता है। कभी कभी बच्चों के साथ हमको सोना भी पड़ता है, भूखे भी सोना पड़ता है। फिर ठंडक में कोहरा भी गिरता है, घर में घुस जाता है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, हम भी बीमार हो जाते हैं, मजदूरी कर नहीं पाते हैं, बच्चों को भूखना मरना पड़ता है। तपन में भी तेज हवा चलती है, फूस भी उड़ जाता है, कहीं 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 आग भी लग जाती है, राशन की भी जल जाता है, हमको भूखना मरना पड़ता है। मजदूर आदमी बताओ मैं क्या करें, मजदूरी करके बच्चों को जियाएं या मकान बनाएं, कैसे क्या करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्या पर बदलाव ला पाया। समस्या ये थी, पाती फूस इकट्ठा कर मैं छप्पर के एक मड़ैया बनाया था, छप्पर छाया था, उसी में रहने लगते थे। उसी में कभी बारिश आती थी, वो पानी चुहता था, टपकता था, उसमें राशन पानी ओढ़ना बिछना सब भी भीग जाता था। उससे बहुत बड़ी परेशानी होती थी, बार बार हमको इकट्ठा करना पड़ता था, फूस पाती जो है इकट्ठा करना पड़ता था, बार बार हमको छाना पड़ता था। कभी कभी जो है तो तपन के महीने में हवा चलती थी, भीड़ भी खरफूस उड़ा जाता था, आग लगने का डर भी रहता था। फिर बाद में आप आए, एक मीटिंग किया, वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद एक रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट बनाकर हमको भी दिखाया, वीडियो भी दिखाया, रिपोर्ट हमने हमको दिया, रिपोर्ट में आप ही अपने आप लेकर गए वीडियो के पास, वीडियो के पास गए, प्रधान के पास भी गए। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान कराऊंगा। उसके बाद में प्रधान वीडियो भी मिलकर हमको आवास का पैसा दिलवाया। उसके बाद में मैं आवास बनाया, आवास बनाने के बाद जो है तो बीबी बच्चे आराम से रह रहे हैं, अब समस्या किसी बात की हमको नहीं है। आपके गांव में कितने लोगों को आवास मिला? हमारे गांव में 15 लोग, हमारे साथ में 15 लोगों की आवास और मिल गई है, उनकी भी समस्या दूर हो चुकी है। धन्यवाद कहेंगे आपको, आपकी बहुत बड़ी शुक्रिया थी जो आप आए, वीडियो बनाया, मीटिंग किया। हमको रहने के लिए समस्या थी, झोपड़ी में रहते थे, लोग परिवार सहित तकलीफ थी। आपने आके वीडियो बना दिया, वीडियो बना के भेज दिया, हमको आवास मिल गई, आवास बना लिया, लड़का बच्चे परिवार सहित रहने लगे, हमारी समस्या दूर हो गई। शिवाजी प्रधान, प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परसिया। प्रधान जी, क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि हमारे ग्राम सभा में एक जो गांव आता है केवलिया, वहां पर लोगों के घर जो है कच्चे बने हुए थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। उन लोगों का जो है अब आवास बन चुका है, वो लोग अपने अपने घर मकान में अब रहते हैं। हमने क्या किया उसमें? उसमें आपने वीडियो बनाया था एक, वो वीडियो हमको दिखाया भी था। उन लोगों के जो है समस्या है वो खत्म कर दी गई है, उन लोगों को आवास दिलाया गया है, वो लोग अपने घर पर रह रहे हैं। इस प्रकार हमारे इस प्रयास से समुदाय के 15 परिवारों को आवास का लाभ मिला और उन परिवारों में रहने वाले 80 लोगों को इसका फ़ायदा हुआ और सरकार को 18 लाख रुपये खर्च करना पड़ा। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे ही अपने समुदाय की समस्या को अपने कैमरे के माध्यम से उठाता रहूं, उनको संगठित व जागरूक करते हुए उनकी समस्याओं पर समाधान लाता रहूं। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।